रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया से अकाउंट व बीजीएमआई गेम के अकाउंट को हैक कर बेचने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अभिजीत हलधर पुत्र हराधन हलधर निवासी बसीरहाट साईपल्ला नवापल्ली क्लब थाना बसीरहाट जनपद 24 नॉर्थ परगना पश्चिम बंगाल, दूसरा अंश बर्नवाल पुत्र अजय बर्नवाल निवासी स्वामी विवेकानंद कॉलोनी देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिसके पास से 4 मोबाइल एक आईपैड को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं फिशिंग लिंक के माध्यम से अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम व गेम पोर्टल पर उसे विज्ञापित करता था। उस लिंक पर जो कोई क्लिक कर उस पर सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक का यूज़र आईडी व पासवर्ड इंटर करता था, वह आईडी व पासवर्ड मुझे मिल जाती थी। मैं आईडी व पासवर्ड प्राप्त होने पर पहले उस आईडी का यूज़र आईडी पासवर्ड व लिंक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बदल देता था और उसकी पहचान बदलकर उससे अपनी कोई ईमेल आईडी लिंक कर देता था। इसको नए रूप में बदलने के बाद सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम के माध्यम से व ट्विटर फेसबुक अकाउंट व लिंक बीजीएमआई गेम अकाउंट बेच देता था और यदि वास्तविक अकाउंट धारक मुझसे संपर्क करता था तो मैं उसे अकाउंट को देने के लिए डरा धमकाकर पैसे की मांग करता था। जो पैसा नहीं देता था तो मैं उसे किसी और को बेच देता था, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, इंस्पेक्टर सुनील कुमार पटेल, नौकायन चौकी प्रभारी विजय कुमार गौड़, कांस्टेबल नकीब खां, शशि शंकर राय, शशिकांत जायसवाल, पंकज कुमार गुप्ता शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, हाँ भाई बाप लोगों ने मेहनत किया है, स्मार्ट हमारा हीरो तो घूम ही हो। एसएसपी सर ने 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है इनको। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर धरपकड़ के अनुक्रम में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं, उसी के अनुक्रम में 12 अक्टूबर को थाना रामगढ़ताल को आदित्य सिंह नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि उससे 4,000 रुपये मांगे जा रहे हैं किसी, और उसका अकाउंट हैक कर लिया गया है और उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसी बात को साइबर सेल गोरखपुर एवं थाना रामगढ़ताल द्वारा संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर जब इसमें कार्रवाई की गई तो पता चला कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो कि एक अंतर्राज्यीय गैंग है। इसमें पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश देवरिया एवं इसमें इंडोनेशिया तक के तार जुड़े हैं। सबसे पहले पता चला कि अंश बर्नवाल नाम का व्यक्ति देवरिया का, जो कि बंगाल के रहने वाले अभिजीत हलधर नाम के व्यक्ति से BGMI बैटल ग्राउंड्स इन इंडिया करके एक गेम है जो कि भारत में बैन है, जो कि पबजी टाइप का गेम जो वो भी बैन है, उसी प्रकार का एक गेम है जिसके अंदर अकाउंट के अंदर एक लेवल अचीव करने के बाद में आप उसमें काफ़ी सारे पैसे रखते हैं, उसी को ही यूज़ करके बेचने के लिए ये बेसिकली पैसे मांगे गए थे। इस व्यक्ति का अकाउंट हैक किया गया था, हैक करने के बाद इसे 4,000 रुपये अपना अकाउंट का एक्सेस वापस रीगेन करने के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। इस प्रकार के तमाम फ्रॉड इन्होंने प्रदेश भर में एवं भारत भर में किए हैं और ये लोग पूछताछ में जब बंगाल के रहने वाले 24 बसीरहाट थाना 24 परगना नॉर्थ परगना बंगाल के जनपद का रहने वाला है व्यक्ति, इसे जब पूछताछ की गई तब इसने बताया कि ये जितने भी अकाउंट्स हैं
ये इंडोनेशिया के कोई किंग नाम के रहने वाले व्यक्ति है जिसे वो टेलीग्राम पे मिला है और टेलीग्राम पे ही खरीदता है, उससे ये अकाउंट प्राप्त हुए हैं। ये लोग एक फिशिंग लिंक जनरेट करते हैं, फिशिंग लिंक के माध्यम से जो भी व्यक्ति अपने क्रेडेंशियल्स ट्विटर, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया के डालता है उसको सीधा वो एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद में उसका अकाउंट एक्सेस करने के बाद उसके पासवर्ड बदल देते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति उसका ओरिजिनल यूज़र होता है वो अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाता है और उसमें जो भी मनी वगैरह होती है ये उसको बाद में अपने वॉलेट वगैरह में ले लेते हैं या फिर उसे रीगेन करने के लिए फिर उससे पैसे मांगते हैं। इस प्रकार का ये नया फ्रॉड करने का तरीका नई जनरेशन के जितने भी लोग हैं जो इस तरह के गेम खेलते हैं या फिर किसी भी फिशिंग लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट वगैरह उनके क्रेडेंशियल्स को लीक कर दे रहे हैं, उन लोगों को डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना चाहिए। अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब पे डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी रखें, रिकवरी ईमेल एड्रेस भी रखें और सभी युवाओं से यही एक मुहिम के लिए हम बता रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ डू नॉट क्लिक ऑन एनी लिंक विच इज़ मेड आउट ऑफ फिशिंग लिंक और एनी स्पोर्ट्स और गेम विच इज़ बैंड इन द कंट्री, और इस तरह की चीज़ों से बचें। इसमें दो लोगों को, दोनों अभिजीत हल्दर जो नॉर्थ 24 परगना बंगाल है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है एवं अंश बर्नवाल जो कि देवरिया के रहने वाले हैं उनकी भी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई है। इनको 384, 420, 469 और 506 IPC में जेल भेजा जा रहा है। ये लोग एक प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल्स हैं जो कि साइबर के वर्ल्ड में और डार्क नेट और डार्क वेब से चीज़ें खरीदते हैं जो कि एक नया क्राइम करने का तरीका है और नया फ्रंटियर है क्राइम का, जिसको कि आज के इंटरनेट के बढ़ते युग में उस परिप्रेक्ष्य में इसमें पुलिस भी अपने आप में अपने आप को माहिर बना रही है एवं इस क्षेत्र में भी जिस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं उन सबको भी ख़त्म करने के लिए हम सब लोग अग्रसर हैं। थैंक यू।